सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये सेटअप कैसा लग रहा है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम इवन आई एम ट्राइंग ओवर हियर। क्योंकि जैसा तुम लोगों को पता है, मैं इधर आने के बाद मैंने ज़्यादा वीडियोस बनाए ही नहीं है। इनफैक्ट शायद एक या दो वीडियोस बनाई होंगी मैंने, एंड बाकी की जो वीडियोस मैंने बनाई होंगी वो मैंने अपलोड नहीं की होंगी। तो कुछ वैसा ही सीन चल रहा होगा। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि ये वाला वाइब कैसा लग रहा है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटिंग व्हाट आई हैड इन माय माइंड रिगार्डिंग द लाइटिंग एंड द सेटअप। तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में अभी फटाफट जाके कि ये लुक कैसा लग रहा है, बिकॉज मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है अभी जैसा मैं देख रहा हूँ। एंड आई थिंक कि कलर ग्रेडिंग करते वक्त तो मुझे बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो जिन लोगों को सीधा अनबॉक्सिंग एंड कैमरा के बारे में जानना है, इस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके चले जाओ। एंड जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मुझे थोड़ी सी बात करनी है, तो अगर आप लोग सुनना चाहो तो सुन सकते हो। जो लोग मेरे चैनल पे स्टार्टिंग से हैं उनको पता है कि मेरी जो चैनल की पहली वीडियो थी वो एक एक्शन कैमरा के साथ ही स्टार्ट हुई थी। एंड आज 2.53 ईयर्स लेटर आई एम अपग्रेडिंग टू ए न्यू एक्शन कैमरा। तो फाइनली वी आर अपग्रेडिंग। एंड दूसरी चीज़, इतने दिनों से राउडी वाली वीडियो के बाद कोई और वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। तो लाइक 1.52 मंथ्स बैक मैं वॉलंटियर कर रहा था जोश टॉक्स तेलुगु के साथ, एंड उसके बाद TTF प्रोजेक्ट्स, फिर डायरेक्शन असाइनमेंट्स, दोनों को अगर मिला के बताऊँ तो कुछ 5-7 फिल्में बनाने का था। उसके बाद फिर सेमेंट भी आ गया, तो सेमेंट की वजह से 5-6 लोगों की फिल्म्स में एक्ट कर रहा था। फिर अपनी फिल्म के टाइम पे मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, पूरा स्टोरी वोरी सब लास्ट मोमेंट पे चेंज करना पड़ा। उसके रिगार्डिंग वीडियो कभी बाद में बनाएंगे। तो बस ये बोलना था। तो अब स्ट्रेट अवे वीडियो की तरफ चलते हैं, चलो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड दिस इज द फर्स्ट लुक। तो चलिए सीधा वीडियो की तरफ, अब जाके हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। आज कितने दिनों के बाद हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं यार, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड कैमरा मैंने कल खरीदा, बट फिर से काम में कुछ उलझ गया, लाइक घर के कामों में, तो टाइम नहीं मिला। तो अभी ऑन स्पॉट लाइव अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। एंड हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में एक सरप्राइज है, उसके लिए बने रहना, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज हाउ द बॉक्स लुक्स लाइक। एंड काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक बॉक्स है, तो ये एडवेंचर कॉम्बो है। तो DJI Osmo Action 3 के बेसिकली दो वेरिएंट्स आते हैं, एक एडवेंचर कॉम्बो और एक स्टैंडर्ड कॉम्बो। एडवेंचर कॉम्बो में अभी क्या क्या मिलता है मैं आपको अभी दिखाऊंगा आगे वीडियो में, तो वीडियो में बने रहो। जस्ट लाइक एवरी अदर प्रोडक्ट, आपको पीछे सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। तो बॉक्स ओपन करते ही आपको कुछ ऐसा डिजाइन देखने को मिलता है, बीच में कैमरा एंड ऊपर ये केस है। तो सबसे पहले निकालते हैं सबको। तो एडवेंचर कॉम्बो की सबसे सही बात है ये है एक बैटरी केस, एंड ये जो एक ट्रांसलूसेंसी पन्नी दिख रही है ना, इसको रिमूव करने में जितना मज़ा आता है ना, ये जो एक अलग ही ASMR वाली वाइब देती है। सो दिस इज हाउ द केस लुक्स लाइक। एज यू कैन सी, काफ़ी ज़्यादा स्लीक है। एंड मैं ओपन करता हूँ तो तुम लोग देख सकते हो इसमें 3 बैटरी स्लॉट्स हैं, एंड ये 3 बैटरीज आपको सिर्फ एडवेंचर कॉम्बो में देखने को मिलेंगी। एंड उनमें से एक बैटरी मैंने अभी कल दुकान में जब हम लोग टेस्ट कर रहे थे तभी डाल दी थी। तो आपको चार्जिंग केस मिल जाता है, एंड इसकी जो बैटरी है भाई बहुत ही भयंकर है, मतलब सीरियसली GoPro से भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग क्लेम कर रहा है कंपनी। सेकेंड चीज़ जो आपको मिलती है वो है ऑब्वियसली ये, जिनको कोई नहीं पड़ता, बट अगर आपको कुछ दिक्कतें आए यूज़ करने में देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस। फिर ये लाइफ सेवर है, दिस इज़ अ टाइप सी केबल गाइज, मतलब आप लोग इसको अपने फ़ोन के चार्जर से भी कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हो, मतलब 2 केबल ले जाने की मगजमारी ख़त्म। फिर अगर आप एडवेंचर कॉम्बो ले रहे हो देन इसके अंदर खजाना है। तो अगर आप लोग लाइक इंटरेस्टेड हो मोटो व्लॉग एंड लाइक एक्शन कैमरा वाले सेगमेंट में, देन आपको पता होगा कि जो DJI Action 2 आया था वो काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशनरी था इस एक मामले में कि इन लोगों ने मैग्नेटिक प्लेट इंट्रोड्यूस कर लिया था, यानी कि वो स्क्रू ओपन करके चेंज करने का झंझट खत्म। एंड वही चीज़ इसने Osmo Action 3 के साथ भी की है। तो अगर आप स्पेशली एडवेंचर कॉम्बो लेते हो देन आपको ये जो एडहेसिव बेस है जो मैंने अभी आपको बताया ना कि मैग्नेटिक माउंट है, वो आपको 2 पीसेस मिलेंगी, स्क्रू भी 2 मिलेंगे, एंड जस्ट लाइक दैट जो रबर लेंस का ग्रिप है जो प्रोटेक्शन के लिए काम में आता है वो भी आपको 2 मिलेंगे। तो अगर आप मुझसे पूछो पर्सनली देन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एडवेंचर कॉम्बो ही उठाओ, सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वही रहेगा। देन एक और एसेसरी जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है सिर्फ और सिर्फ एडवेंचर कॉम्बो में, वो है ये एक सेल्फी स्टिक है।
जैसा आप लोगों ने Insta360 1x2 और 1x3 में देखा होगा, जिस टाइप का मिलता है ये उस टाइप का है। लेट मी जस्ट ओपन इट। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। बहुत ही ज्यादा बढ़िया टेक्सचर है एंड बहुत ज्यादा प्रीमियम फील हो रहा है। एंड DJI एक्शन जिस तरह से लिखा हुआ है बहुत सही लग रहा है। आपको पैटर्न्स भी दिख रहे होंगे, अब मैंने फोकस कर लिया तो। एंड इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 1.5 मीटर है। खोल के दिखाता हूँ, लाइक ये एक फ्रेम में फिट भी नहीं आने वाला। इधर तक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपको कितने वाइड एंगल वीडियोस मिलने वाले हैं अगर आप इसको यूज करते हो तो। एंड जो DJI मेमो ऐप है इसका ऑफिशियल, आपको इसमें लाइक आप इनविजिबल मोड एक आता है जिससे कि आपको ये रॉडर दिखेगा भी नहीं पोस्ट प्रोडक्शन में जब आप एडिट करोगे तब। तो ये सारे जो फीचर्स है वो एडवेंचर कॉम्बो को काफी ज्यादा डील वर्दी बना लेते हैं, जिसके लिए कि आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए एडवेंचर कॉम्बो, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है गाइस। लाइक 4-5 thousand अगर आप एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करोगे या फिर अगर आप सेव कर लोगे, देन आपको इतना कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा एंड यू आर रेडी टू गो। आपको कुछ भी और मार्केट से एक्स्ट्रा परचेज करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ फाइनली इट्स टाइम फॉर द सो स्टीलर, द सीक्वल टू द DJI एक्शन कैमरास, DJI Osmo Action 3 फाइनली। आई होप कि नॉइज ज्यादा नहीं आ रहा होगा। तो एज यू कैन सी काफी ज्यादा स्लीक बॉडी बनाई है। अब इसकी पन्नी हटाते हैं। ये जो आवाज है ना भाई, क्या प्यारा लग रहा है यार। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, DJI Osmo Action 3 विद डुअल स्क्रीन्स। तो मेरा जो YI4K एक्शन कैमरा था उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे को आ रही थी वो दो चीज़ों से आ रही थी। एक तो उसमें फ्रंट डिस्प्ले नहीं था, जिसकी वजह से मेरे को आइडिया लगाना पड़ रहा था एंड अज्यूम करना पड़ रहा था बहुत सारी चीज़ें कि शायद ऐसा कैप्चर हो रहा होगा, तो मैं कम्प्लीटली लाइक कंपोज नहीं कर पा रहा था अपने शॉट्स को, जो अब कर पाऊंगा। एंड दूसरी चीज़, उसमें आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन नहीं लगा सकते, जो कि इसमें डायरेक्टली लगा सकते हो विदाउट एनीथिंग लाइक द मीडिया मोड विच इज यूज फॉर GoPro। तो वो एक काफी रेवोल्यूशनरी चीज निकाली है DJI ने। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही यार। ये लाइक स्क्रीन चेंज करने के लिए है, यहाँ पे माइक, ये माइक वाला स्लॉट है एंड ये बैटरी के लिए है। एंड नीचे का कंप्लीट वो जो, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया ना वो मैग्नेटिक माउंट, तो मैग्नेटिक माउंट के टाइप का ही दिया है बेस इसका। तो अगर आपको दिख रहा होगा देन जो रबर क्रिप यहाँ पे है वो ऑलरेडी प्री अप्लाइड है। अगर आप इसके अलावा एडवेंचर कॉम्बो लेते हो देन इसका एक एक्स्ट्रा पीस आपको मिलता है फॉर सेफ्टी रीजंस। अगर लाइक आपसे ये खो जाए या फिर कुछ डैमेज वैमेज हो देन आप उसको यूज कर सकते हो। नाउ द मेन केस, तो ये वाला केस आपको मिल जाता है DJI एक्शन 3 के साथ। ये आपको स्टैंडर्ड और एडवेंचर दोनों में मिलेगा। एंड इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि आप इसके साथ हॉरिजॉन्टल वीडियोज तो शूट कर ही सकते हो, बट उसके साथ साथ वर्टिकल वीडियोज भी शूट कर सकते हो, क्योंकि इसके नीचे भी मैग्नेटिक माउंट दिया हुआ है। That is the best thing जो DJI Action 3 के साथ improve किया है कि आपको अब पोस्ट में जाके ज्यादा झमेला करने की जरूरत नहीं है। अब सीधा जब आपको चाहिए अब बस मैग्नेटिक माउंट हटाओ, लेआउट बदलो ऐसे या फिर ऐसे एंड यू आर रेडी टू गो। सो दिस इज हाउ द कैमरा लुक्स लाइक आफ्टर आई अप्लाई द प्रोटेक्टिव केस ऑन इट। बहुत ही ज्यादा सही लुक आ रहा है एंड आई कांट वेट टू शूट ऑन इट एक्चुअली। एंड सही में मैंने इतना, जब मैंने पहली बार अभी देखा था इतना स्टडी नहीं लग रहा था, बट इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद काफी ज्यादा प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड कर रहा है वो पता चल रहा है। थोड़ा सा वेट बढ़ा है इसका आफ्टर अप्लाइंग इट, बट प्रोटेक्शन भी उसी लेवल की मिल रही है एज यू कैन सी। तो नाउ लेट्स सेट अप द कैमरा। तो अभी लाइक लैंग्वेज सिलेक्शन का आ रहा है। तो हाँ, दिस इज वेयर द थिंग चेंजेस। आपको यहाँ पे ये जो QR कोड दिख रहा होगा, इस QR कोड को स्कैन किए बिना आप डिवाइस को अनलॉक नहीं कर सकते। ये थोड़ी सी मेरे को कॉम्प्लिकेटेड चीज लग रही है, तो मैं पहले ऐप डाउनलोड करता हूँ उसके बाद बताता हूँ। क्योंकि मैंने जब कुछ लाइक फॉरेन यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा था तो उन लोगों ने इसके बारे में शिकायत की थी, बट आई डोंट थिंक कि इंडियंस को इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इंडिया में जिन लोगों ने इसको खरीदा है मैंने तो नहीं देखा कि किसी को प्रॉब्लम आई है। तो मैं अभी फटाफट DJI मेमो ऐप लोड करता हूँ एंड फिर बात करता हूँ आपसे। सो गाइस, ये थे इनबॉक्स कंटेंट्स कि आपको क्या क्या मिलते हैं DJI Osmo Action 3 के पैकेज में। एंड ये वाला जो पार्ट अभी आप देख रहे हो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट लाइक 1.5 घंटे के बाद, क्योंकि सबसे पहले तो वो DJI मेमो ऐप है वो 450 MB का है, जो कि सिग्निफिकेंटली कम ही है साइज में, बट पता नहीं क्यों आज मैं जहाँ पे रह रहा हूँ उसका वाईफाई इतना अजीब सा चल रहा है कि डाउनलोड ही नहीं हुआ। एंड उसके बाद अगर तुमने इससे पहले कोई DJI Osmo Action 3 की वीडियोज देखी है तो देन तुमको मालूम होगा कि सब लोग कर रहे हैं कि DJI Osmo Action 3 में एक फोकस प्रॉब्लम थी, बट अब वो फर्मवेयर अपग्रेड के थ्रू
ठीक हो चुके हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने DJI Mimo app इंस्टॉल किया मेरे को वो अपडेट आ गया फर्मवेयर का, 143 MB का है एंड बहुत मैसिव अपडेट है एंड मैं लिटरली अब डिफरेंसेस देख सकता हूँ उसमें। वो अपडेट जरूर कर लेना, मुझे तो लाइक चल के नीचे जाना पड़ा, बिल्डिंग के नेटवर्क है इसलिए उसके बाद मैं डाउनलोड करके ऊपर आया एंड फिर अभी थोड़ा 15 मिनट रिसर्च कर रहा था कैमरा के बारे में एंड अब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी कैमरा कुछ ऐसा है, रुक जाओ ऑन करके दिखाता हूँ तुमको। तो इसका व्यू कुछ ऐसा है, अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो, आई डोंट थिंक ये कुछ सही से दिखेगा आपको अभी। तो अगर आपको स्पेशली एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि अपडेट्स के बाद क्या क्या चेंज हुआ है, देन मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। बट प्राइमरीली अगर आप मुझसे पूछोगे देन 10 bit आ गया, वो एक बहुत मेजर अपग्रेड किया। फिर उसके बाद D-Cinelite भी आ गया अब, एंड थर्ड चीज अब हम लोग लाइक जो रिकॉर्ड करते हैं मोटो व्लॉग्स एंड सब, उस टाइम पे गेन एडजस्ट करने का ऑप्शन किसी भी कैमरा में नहीं था, GoPro में भी नहीं है आज तक, वो इन लोगों ने दे दिया, वो एक बहुत बड़ी चीज की इन लोगों ने। तो ये सारे जो चेंजेस दे दिए इसकी काफी ज्यादा जरूरत थी एंड अभी HDR मोड भी आ गया, एनहांस्ड इमेज क्वालिटी भी आ गई एंड लो लाइट के लिए एक अलग सेटिंग भी आ गया। ये सारी चीजें अब लिटरली इसको कम्पीट करने के लिए मजबूर कर देती है GoPro Hero 11 के साथ, क्योंकि अगर तुम अपडेट के पहले मुझसे पूछते तो मैं इसको रेट करता GoPro 10 और GoPro 11 के बीच में, बट अब इतना सब कुछ इन लोगों ने अपडेट कर दिया है कि अब मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इसको कहाँ पे रखूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द DJI Osmo Action 3। नाउ यू गाइज हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है, डू यू वॉन्ट टू गो विद इट, या फिर अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को, क्योंकि अब काफी अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है चैनल पे एंड ट्राई करूंगा फ्रीक्वेंटली लाने के लिए। सो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप डूइंग व्हाट यू लव। सो सी यू गाइस, पीस।